चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं यार। बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। हाँ साहब यार, हमारी तो बिल्कुल फकीरों वाली जिंदगी हो गई है। अरे फकीरों से भी बदतर यार, फकीरों के पास भी मोबाइल में बैलेंस डलवाने के लिए पैसे होते हैं, हमारे पास तो वो भी नहीं है यार। यार ये जो दुकानदार है ना सैनम मार्केट के, वो तो मेरी शक्ल ही भूल गए होंगे यार। एक अरसा हो गया शॉपिंग की हुए। अरे कितने एपिसोड से ये अलग अलग रंग के शलवार कमीज पहनकर घूम रहे हैं यार। और यार और तो और ढंग की चप्पलें भी नहीं है हमारे पास। लेकिन नबील एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? अरे हम ऐसे सस्ते सस्ते कपड़े पहन रहे हैं और खूबसूरत तो चांदी अभी भी ढंग के कपड़े पहन रहे हैं। महमूद साहब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे लगता है नबील के खूबसूरत के पापा उसे छुप छुप कर पैसे भेज रहे हैं और वो तुमसे छुपा छुपा कर रख रही है। ऐसा नहीं हो सकता महमूद साहब। क्यों नहीं हो सकता भाई? इसलिए महमूद साहब कि मैं रोज खूबसूरत की अलमारी का कोना कोना छानता हूँ कि शायद कोई 100-200 मिल जाए, लेकिन रेस गाड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता। नहीं, हो सकता है वो पैसे बैंक में रखती हो तुमसे छुपा कर, ताकि तुम्हें शक ना हो। हाँ महमूद साहब ये हो सकता है यार। यार नबील कुछ करो, खुदा के वास्ते कुछ करो, ऐसा ना हो कि फाकों की वजह से हमें कहीं नौकरी करनी पड़ जाए। नहीं महमूद साहब नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर कुछ करो यार। अरे करो तो करूँ क्या? मैं तो कहता हूँ खूबसूरत को इमोशनल ब्लैकमेल करो। वो कैसे करूँ यार? अरे उस सलीम रान को फोन करके पूछो ना यार, उससे बड़ा ब्लैकमेलर कौन होगा। हाँ ये आपने अच्छा आइडिया दिया, अभी करता हूँ। हेलो। हाँ लीजानी, अपने ब्लैकमेलिंग के तजर्बे की बुनियाद पर मुझे ये बता कि खूबसूरत को ब्लैकमेल कैसे करना है, जैसे तू जेजे को करता है। हाँ अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ओके ओके जानी, ओके बाय। लो जी महमूद साहब, अब आप देखिएगा कि मैं खूबसूरत को ब्लैकमेल कैसे करता हूँ। वो जो तुम खूबसूरत को करोगे वो इमोशनल ब्लैकमेल होगा। हाँ जी। अच्छा जी, ये चीज। चल चल शाबाश 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 शाबाश, तू भी कुछ कर। जहां मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस आदमी को जरा एहसास नहीं अपनी जिम्मेदारियों का। मैं तो तंग आ गई हूँ, बस अब पापा आएंगे तभी कुछ हो सकता है। चलो यार बाद में बात करते हैं। ओके बाय। हेलो, देखिए देखिए मेरी बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। देखिए आदमी की कोई मजबूरी भी तो होती है ना, ऐसे ही थोड़ा कोई अपना गुर्दा बेचने के लिए तैयार हो जाता है। What? अरे डॉक्टर साहब आप मेरी फिक्र मत करें, मैं जैसे तैसे जी लूंगा। लोग हाथ पांव के बगैर भी तो जी लेते हैं। अरे मैं अपनी बीवी और बच्ची के लिए जान तक दे सकता हूँ, और फिर ये गुर्दा क्या चीज है। आप प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। आपको खुदा का वास्ता आहिस्ता बोले, ये बात मेरी बीवी ना सुन ले। थैंक यू डॉक्टर साहब। रोजीना तू रो क्यों रही है? ना पहले बता तू रो क्यों रही है? माँ जी। हाँ माँ जी। वो बताती है या दूँ एक? माँ जी नबील गुर्दा बेचने जा रहा है। हाँ मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ओ पुत्र टेंशन ना ले, तू एक गुर्दे के बगैर भी जिंदा रह सकती है। क्या? हाँ बस उसको बोल देना पैसे अच्छे लगाए तेरे गुर्दे के। माँ जी नबील मेरा नहीं अपना गुर्दा बेच रहा है। क्या? हाँ मैं अपने गुर्दे के टुकड़े का गुर्दा नहीं बिकने दूंगा। माँ जी जिगर। वो जिगर बेचने जा रहा है? अरे नहीं यार, आपके जिगर का टुकड़ा। और मेरे जिगर का टुकड़ा बेच रहा है? माँ जी आपका जिगर का टुकड़ा अपना गुर्दा बेचने जा रहा है। कोई ऐसी क्यों मौत पड़ी है उसे? माँ जी मेरा मियाँ घर के हालात तो गुर्बत की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। आप करें ना बात तेरे मियाँ से। नहीं आप महमूद साहब से बात करें ना। उनसे क्या बात करूँ मैं कि वो तेरे मियाँ को समझाए। नहीं यार अगर बेचना ही है तो महमूद साहब अपना गुर्दा बेचे ना, उनकी तो उम्र भी है। नबील की तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। माँ जी बेहया बेगैरत, तू मेरे सुहाग के गुर्दे के पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि मैं अपना सुहाग बचाना चाहती हूँ माँ जी। अगर तुझे अपना सुहाग बचाना है तो तू कुर्बानी दे। और क्या करूँ माँ जी, सब कुछ तो लुटा दिया इस घर पे, अपने सारे जेवरात अपनी जमा पूंजी सब कुछ। अपने मियाँ की दूसरी अमीर लड़की से शादी करा दे,
माँ जी मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं करूंगी। और तो फिर जा मर जा। माँ जी जानू मेरी चांदी का ख्याल रखना। क्यों नबील तुम कहीं जा रहे हो? हो सकता है जानू जाना पड़ जाए, आखिर सारे ऑपरेशन कामयाब तो नहीं होते ना। ऑपरेशन? हाँ जानू कराची ऑपरेशन जो आजकल चल रहा है। मैं अक्सर बाहर रहता हूँ, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तुम घर से बाहर कब रहते हो नबील? आ जानू शहर में सारा दिन बाहर तख्त पर तो बैठा रहता हूँ। नबील तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है? हाँ। वेरी गुड। क्या मतलब? जानू तुम्हें हमेशा ये लगता था ना कि मैं तुम्हारी और चांदी की कोई फिक्र नहीं करता। हाँ। जानू एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हें मेरी कदर होगी, लेकिन उस दिन मैं यहाँ नहीं होऊंगा। कहाँ होगे तुम नबील? काम पे होगा जानू, काम पे। और क्या? तुम कोई काम करने वाले हो क्या? जानू मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ और प्लीज मुझे रोकना मत। नबील प्लीज बताओ क्या कर रहे हो? नहीं जानू ज्यादा मत पूछो वरना मैं रो पड़ूंगा जानू। जनूबी औरतों वाली बात, और मैंने सब पता लगा लिया, तुम फिक्र ना कर। माँ जी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? उतर तू एक्टिंग गलत कर रही है, बाकी काम ठीक कर रही है। क्या? इतना मत सोच सादिया, जब तेरा मियाँ तेरे लिए अपना फेफड़ा बेच सकता है तो तू अपने मियाँ के लिए इतना नहीं कर सकती है? गुर्दा माँ जी। और जब तेरा गुर्दा तेरे लिए कुर्बानी दे रहा है तो तू अपने गुर्दे के लिए थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? बस तू अपना थोड़ा दिल बड़ा रखना। माँ जी मुझे बहुत तकलीफ होगी। तू सिर्फ ये सोच कि हम सब की परेशानी दूर हो जाएगी मेरी बच्ची। माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। और कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तेरे साथ। ठीक है माँ जी, आपने जो करना है आप करें, मैं तैयार। वश वश बस पुत्र, अब देख के मैं करती क्या हूँ। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? मैं रशीदा। तुम लड़के हो ना? हाँ, आप लड़का ही समझ ले। आप आई किस लिए? शादी के लिए। तैयार हो ना? नहीं नहीं मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। हाँ, मुझे तो बताया था कि लड़का शादी के लिए बिल्कुल तैयार है। जी लड़का तो शादी के लिए हर वक्त ही तैयार रहता है, मगर लड़की भी तो कोई ढंग की हो। है, लड़की बहुत ढंग की है। अरे खाक ढंग की है, मैं क्या अंधा हूँ? अरे पहले गौर से लड़की को तो देख ले। अरे तो मैं गौर से ही तो देख रहा हूँ, अच्छी खासी बड़ी है आप। आए हाय लड़की मैं थोड़ी हूँ छिछोरे, लड़की की तस्वीर है मेरे पास, उसका रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे तो आप पहले बताती ना, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आइए आइए अंदर, आइए अंदर बैठ के तस्वीरें देखते हैं। आइए आइए। चलो ठीक है, आइए 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 आइए, आप यहाँ तख्त पे बैठिए। मोमो आपा किधर है? अरे उसे दफा करे, आप मुझे लड़की की तस्वीर दिखाए। नहीं भाई नहीं, उन्होंने तो तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की थी मुझसे। क्या? हाँ। अरे वाह, इसका मतलब है कि मोमो मुझे सरप्राइज दे रही थी है। मैं उसे अभी बुला लेता हूँ। मोमो मोमो। हाँ जी। हाय बशीरा तू आ गई। रशीदा भाई तुम्हारा लौंडा तो बड़ा ही उतावला हो रहा है शादी के लिए। मेरा लौंडा? हाँ ये। अरे मोमो तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम मेरी दूसरी शादी के लिए लड़की देख रही हो। मोमो तुम कितनी अच्छी हो। ये मेरा लौंडा नहीं है, मेरा मियाँ है मंजूर। हैं? हाँ। हाय खुदा का शुक्र है, मैं भी टेंशन में आ गई थी कि इस बुड्ढे के लिए लड़की को राजी कैसे करूंगी। अरे अभी दरवाजे पे तो मुझे लड़का लड़का कह रही थी तुम। वो तो मेरी करीब की नजर कमजोर है, यहाँ आके मैंने जरा दूर से देखा ना तब पता चला है मुझे। और वैसे भी ये तो तुम्हारे मरने के दिन है और तुम शादी का सोच रहे हो? आपको शर्म भी नहीं आई कि मुझ जैसी हसीन खूबसूरत बीवी के होते हुए तो आप दूसरी शादी के बारे में सोचे भी? अरे इस औरत ने मुझे बताया था कि तुमने इससे मेरी दूसरी शादी करवाने का कहा है। अरे आपकी नहीं, मैंने अपने पुत्र की दूसरी शादी करानी है। नबील की दूसरी शादी? हाँ। लेकिन क्यों? ताकि कोई अमीर घराने की लड़की इस घर में बहू बनकर आए और हमें फिर से दोबारा से अमीर कर दे। हाँ मेरा बच्चा हमारे लिए कुर्बानी देगा। अरे ये कुर्बानी तो मैं भी दे सकता हूँ भाई। बकरा ईद तक कुर्बानी की नहीं तूने? अरे उस कुर्बानी की हैसियत नहीं थी इसलिए नहीं की, लेकिन इस कुर्बानी की हैसियत है, ये तो करने दो ना। आप इसको छोड़ें जी, आप मुझे लड़की दिखाएं।
वैसे तो मैं भी बेवा ही हूँ। तुम्हें तो बेवा ही होना चाहिए था। तुम्हारी जब भी शादी होगी ना, तुम बेवा ही होगी। हाय मोमो पापा, ये तो बद्दुआएं देने पर उतर आया। आप जाएं जाके रंजीदा के लिए समोसे लेकर आए। लाओ पैसे दो। मैं क्यों दूं? अरे खाने भी तो तुम नहीं है। क्यों, तुम लोग नहीं खाओगे? अरे हम इतने गंदे और गलीज समोसे नहीं खाते। पता नहीं किस तेल में बनाते हैं वो। नहीं भाई नहीं मोमो पापा, समोसे रहने ही दो, मुझे बस चाय पिला देना। चल फिर आ जा अंदर। यार ये नबील ने तो खूबसूरत से पैसे निकलवाने थे, ये तो कोई बड़ी गेम ही खेल गया है। बड़ा एक घटिया आदमी है। क्या हुआ नबील, क्या दर्द हो रहा है? नहीं नहीं जानू, यहीं कहीं होगा। जानू गुर्दा यही होता है ना? पता नहीं नबील। जानू गुर्दा इंसान के लिए कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है नबील। जानू क्या ये निकलवा देने से आदमी चीख चीख कर एक्टिंग नहीं कर सकता? नबील प्लीज बस कर दो, अब मैं ये सब कुछ और नहीं सुन सकती। माँ जी। यस। हाँ पुत्र। माँ जी आपने लड़की का पता किया? हाँ पुत्र, मैं तुझे बुलाने वाली थी, ये आ गई है। ये लड़की? फिर रिश्ता लेकर आई हूँ लड़की का। कौन आया है माँ जी? पुत्री तेरी शादी करवाने आई है। क्या? हाँ नबील, मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा रही हूँ। दूसरी शादी? हाँ नबील, मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। कौन सी बात जानो? वही जो तुम गुर्दा बेचने की बात कर रहे थे। है क्या, लड़के का एक ही गुर्दा है? नहीं नहीं दोनों है, चक्कर वाले बेशक। जानू ये तुम कह रही हो, दूसरी शादी की बात तुम कर रही हो। तुम्हें पता है मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानू। नहीं नबील, तुम्हें मेरी कसम है, तुम दूसरी शादी करोगे। अच्छा ठीक है, दिखाएं तस्वीर दिखाएं। मेरी बीवी ने इतनी बड़ी कसम दे दी है, मैं कैसे मुकर सकता हूँ? जानू अब तूने भी नहीं मुकरना, ठीक है अपनी बात में पक्की रहना। ये देखो माँ जी, डन करें। डन। शादी की तैयारी करें माँ जी। सेरे वाले आ मान जवानियां भाई, सेरे वाले आ बबूसा, मुबारक हो मेरी दूसरी शादी हो रही है। ये क्या घटिया हरकत है नबील? अरे तुम तो खूबसूरत को इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकलवाने वाले थे हैं? ये दूसरी शादी कहाँ से आ गई भाई? यार महमूसा ये तो मुझे खुद नहीं पता मेरी दूसरी शादी कैसे हो रही है। मुझे लगता है खूबसूरत कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई है, इसीलिए मेरे लिए खूबसूरत और अमीर लड़की ढूंढ रही है। महमूसा बड़े ठीक कहते हैं, नीयत अच्छी हो ना तो सब काम बेहतर होते जाते हैं। वो जो तुम्हारी ठीक थी वो नीयत थी। हाँ जी मैमू साहब, लेकिन आपका इतना बड़ा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे मुंह ना लटकाऊं तो और क्या करूं भाई, मुझे दूसरा फोन नहीं मिल रहा, तुम्हें दूसरी बीवी मिल रही है। अरे यार मैमू साहब क्या हो गया यार, नाराजगी होने मेरे को। आप मेरा मोबाइल ले ले, मुझे तो मुंह दिखाई में दूसरा मिल ही जाना है। नबील तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं यार, ये ले। थैंक यू यार नबील, अब तो खुश है ना महमूद साहब? हाँ बड़ा। चले फिर मेरी दूसरी शादी की तैयारी करें। अरे ये लो अभी लो। क्या हुआ जानू, तुम खुश नहीं हो? ओ नबील ये तो खुशी के आंसू है। अरे हमारे दिन फिरने वाले हैं, ये खुश क्यों नहीं होगी? माँ जी आपने रशीदा खाला को मेरी तस्वीर दी थी, लड़की को मेरी तस्वीर पसंद आ जाएगी ना? क्यों नहीं पुत्र, क्यों नहीं? क्यों नहीं अम्मा, क्यों नहीं अम्मा, क्यों नहीं अम्मा? भाई बहुत मुबारक हो, लड़की को लड़का पसंद आ गया है। माँ जी रशीदा खाला का जल्दी से मुंह मीठा कराएं। ओए पुत्र घर में चीनी नहीं है। मुंह मीठा मैं कर आई हूँ, मुझे बस कमीशन दे दो मेरा। अरे कमीशन नबील को मुंह दिखाई मिलते ही दे देंगे, क्यों नबील? अरे हाँ खाला फिक्र की जरूरत ही नहीं है। नहीं भी नहीं, मुझे तो बस अभी पैसे दो। ओ जानू मेरा मुंह क्या देख रही हो, रशीदा खाला को पैसे दो ना। शाबाश शाबाश जल्दी जल्दी, गुड गर्ल गुड गर्ल। आपने लड़की वालों को हमारी डिमांड तो बता दी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र ही ना करो, जो मांगना है ना मांगो, नौकर चाकर गाड़ी बंगला, लड़की को हल्का मत लेना, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई है। हाँ यार नशों ने चोरी भी नहीं किया। सुने लड़की की कोई छोटी बहन है क्या? है तो, पर वो अंधी नहीं है। वो शोशे भाई मैंने साफ साफ कह दिया, शादी के बाद सब एक साथ एक ही घर में रहेंगे। ये हुई ना बात,
चल अब लड़की के घर वालों को भेज जल्दी से। भाई पहले लड़की लड़के से फेस टू फेस मिलना चाह रही है। मॉडर्न, आई लाइक इट, आई लव इट। अम्मा जी मेमो साहब, आप लोग खूबसूरत और बच्चों को लेकर साहिल समंदर पर चले जाए, मुझे अकेला छोड़ दे। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। आप लड़की को भेजें जी। जरा जल्दी भेजिएगा। अच्छा भाई। जानू अब तो तुम खुश हो ना? नबील, तुम मुझे दूसरी शादी के बाद भूल तो नहीं जाओगे ना? इस दुनिया में श्रीदेवी के बाद मैं दूसरी औरत होंगी जो अपने मियाँ की खुद दूसरी शादी करवा रही है। तुम मुझे शादी के बाद टाइम दोगे ना? क्या सोच रहे हो नबील? जानू मैं ये सोच रहा हूँ कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। आ गई जानू। जानू तुमने यही बैठना है, तुमने बाहर नहीं आना, क्योंकि मैंने उसके साथ तन्हाई में बात करनी है। मैं नहीं चाह रहा कि हमारे बीच में कोई तीसरा हो। नबील। अरे जानू ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे दूसरी शादी का बिल्कुल शौक नहीं है। यही बैठी रहना, बाहर मत आना। कंगली तो फिर रो रही है। और ये तो खुशी का मौका है ना? माँ जी मेरा मियाँ दूसरी शादी कर रहे हैं और आपके लिए खुशी का मौका है? ओए हमारे लिए तो है ना पुत्र। क्या देख लेना, इतनी का क्यूट जोड़ी लगेगी ना दोनों की। माँ जी पता नहीं लड़की शक्ल की कैसी है। ओए हमने शक्ल का क्या करना है, हम तो सिर्फ पैसा देख रहे हैं ना। तेरी बारी में हमने कौन सी शक्ल देखी थी? माँ जी मेरी बहू को नजर लगानी है तुझे। आप मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे। है सच? हाँ। आपको क्या पसंद है? मुझे शाहरुख बहुत पसंद है। कौन शाहरुख? शाहरुख खान भाई। आप ऐसे लोग मुझे कहते हैं अक्सर कि मैं भी शाहरुख खान से कभी कभी मिलता हूँ। हाँ आपकी उम्र और आपका रंग मिलता है। हा? वैसे हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? जहाँ आप कहेंगी वहाँ चलेंगे। वैसे मुझे लंदन पसंद है, आपको क्या पसंद है? शाहरुख खान। नबील कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो गया? हनीमून के प्लान्स बना रहे। अरे चप्पलें खरीदने के पैसे नहीं है उसके पास, हनीमून पर कहां से जाएगा? महमूद साहब उस लड़की के पास तो पैसे हैं ना। अरे पैसे तो तुम्हारे पास भी बहुत थे खूबसूरत, ये तुम्हारा बाप आज अगर इतने लंबे हनीमून पे ना जाता ना, अरे तो नबील की जरूरत ही नहीं थी उस लड़की को लेके हनीमून पे जाता। चलें भाई बहुत मुबारक हो, लड़का और लड़की राजी हो गए, जल्दी से शादी की तारीख तय कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ अभी अभी कसाई को बुलवाओ। अरे मोमो कसाई नहीं, काजी होता है यार। हाँ हाँ काजी, काजी बुलवा लो अभी। ये ठीक है, आजा भाई नशीली। आओ आओ आओ। जी खाला। नबील उसका हाथ तो छोड़ दो, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ। जानू एक्चुअली हम लोगों ने ना एक दूसरे को तन मन धन से मियां बीवी मान लिया है। क्यों नशीली? हाँ नब्बो। अरे भाई ये दोनों तो बहुत ही फ्री हो रहे हैं, इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए काजी को बुलवा लेते हैं। हेलो काजी भैया, भाई लौंडा बहुत ही उतावला हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। आ रहा है। होश अवश्य। जानू अब जल्दी से मेरे कमरे से अपना सामान निकालो, क्योंकि आज मैं और नशीली इस कमरे में ठहरेंगे। क्यों नशीली? हाँ क्या? हाँ हाँ जी, अब मेल की रकम कितनी लिखवानी है? जितनी दिल चाहे लिख लें, बहुत ऊंचे लोग हैं। हाँ हाँ 10-15-20 लाख लिख लें, जितना दिल चाहता है लिख लें। निकाह वाली रात ही अदा करना होगा। वो मिट्टी डालें जी, 32 रुपए 8 आने लिखें, हक महर शरई होना चाहिए। क्यों जानू? हाँ नबी। चले जी निकाह की कार्रवाई शुरू करते हैं। एक मिनट जानू, कोई गंद मत करना। लड़की की माँ कहाँ है? वो दफा करो जानू, लड़की की माँ को क्या करना है, कैसा आपने कहा पढ़ाए। अरे ठहरिए एक मिनट, रुकिए यार, सही बात है भाई, ये लड़की की माँ क्यों नहीं आई? हाय आई तो है। तो कहाँ है? हाय मैं ही तो हूँ इसकी माँ। अरे काजी साहब आप छोड़े, आप निकाह पढ़वाए। रुको, तू तो बड़ी गरीब गुरबा है, तू तो बड़ा कहती थी लड़की बहुत अमीर है, सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुई है। हाँ हाँ हम लोग बहुत अमीर थे, मगर इसके बाप के मरने के बाद हम रोड पर आ गए, कोई पूछ ही नहीं रहा था हमें। तुम लोगों को नशीली पसंद आ गई तो मैंने सोचा जल्दी से निकाह ही पढ़वा लूं। अरे काजी साहब आप निकाह तो पढ़वाएं। अरे रुके, आप तो कह रही थी कि लड़की से घर गाड़ी सब कुछ मांग लेना। हाँ हाँ तो मांग लो, हमने कौन सा देना है, हमारे पास तो खुद रहने की जगह नहीं है। क्या? हाँ हाँ लेकिन एक ख्वाहिश जरूर पूरी होगी तुम लोगों की। वो क्या? यही कि अब हम सब साथ रहेंगे, मैं भी अपनी बेटी की शादी के बाद ना यही रहूंगी। अब तो आप लोग खुश है ना? चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल।
ओ चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते